एस्थमा इज कॉज्ड बाय, इन्फेक्शन से होता है क्या? नो no. ट्रैकिया के इन्फेक्शन से होता है क्या? नो no. स्पाज्म इन ब्रोंकियल, स्पाज्म का मीनिंग क्या होता है? स्पाज्म का मीनिंग क्या है? वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, तो जब ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ब्रोंकियल मसल से जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइक का जो डायमीटर है क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, कैफस दबा देगी। मान लीजिए ब्रोंकाइक का डायमीटर है ना, तो यहाँ पे ये इसकी मसल क्या है? मसल। अब यहाँ पे क्या होगा? मसल, मान लीजिए स्पाज्म हो गया, मसल्स में क्या हो जाएगा? स्पाज्म, ये क्या है? हमारा ब्रोंका है। मसल में स्पाज्म होने की यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, जो ब्रोंकाई का डायमीटर है वो यहाँ पर कम रह गया, ब्रोंकाई का डायमीटर कम रह गया, ब्रोंकाई की जो क्या हो गया, स्पाज्म हो गया, इन इन्फेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं ब्रोंकाई का जो डायमीटर है यहाँ पे क्या हो गया, डायमीटर रिड्यूस। तो जैसे अस्थमा होता है जब तो वो पर्सन सांस का अंदर कौन सा आएगा, वी विच इज द इंडिकेशन ऑफ एस्थमा, इन्फेक्शन नॉज ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते ही एक करने वाला।